फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन आइडिया सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था माला देवी ठाकुर का, जिन्होंने मुझे 34 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग वीडियो शेयर करने के लिए बोला था, कटिंग वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपने मुझे मेज़रमेंट बताया और उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको पेपर पे कटिंग करके बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जिस हिसाब से आपने जो मुझे मेज़रमेंट बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको कटिंग किस तरीके से करनी है ब्लाउज़ की, वो मैं बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो देखिए आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लेंथ लीजिएगा, जितने आप तैयार रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे उसमें तुरपाई रखते हैं, तो उस हिसाब से आप मार्जिन लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तैयार लेंथ के बाद में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 13 इंच इसकी तैयार रख रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैं मार्जिन का 2 इंच ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें हम जैसे ब्लाउज़ के अंदर तुरपाई रखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे मेज़रमेंट ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो इसकी मैंने टोटल जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच ली है। ठीक है, तो देखिए अगर आप नीचे सिलाई रखते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पे मैंने टोटल जो लेंथ है वो 15 इंच ली है। ठीक है, देखिए फिर हम यहाँ पे रखेंगे शोल्डर। तो देखिए शोल्डर जो आपने बताए थे वो 12 इंच थे, तो 12 का हम यहाँ पे 12 इंच शोल्डर आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 12 इंच का हम यहाँ पे इसको डबल करेंगे, तो इस तरीके से जितना हमारा शोल्डर आएगा वो 6 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर है वो लेंगे हम 6 इंच। ठीक है, और देखिए फिर हमें यहाँ पे लेना है आर्मोल का नाप। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर 6 इंच लिए हैं, तो यहाँ पे आपको जो आर्मोल है वो भी 6 इंच ही लेने हैं। ठीक है, 6 या 6.5 इंच तक आप आर्मोल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको लेना है चेस्ट का नाप। तो चेस्ट है वो थी 34 इंच, तो उस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो 34 का यहाँ पे चौथा भाग कितना आएगा, 8.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8.5 इंच, और उसके बाद में यहाँ पे आप मार्जिन का एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो सिलाई वाला। ठीक है, तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1.5 इंच या 2 इंच जितना आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हमें लेना है कमर का नाप। तो कमर है वो जो आपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बताई थी वो थी 30 इंच, तो 30 का यहाँ पे हमें लेना है चौथा भाग। तो 30 का यहाँ पे चौथा भाग कितना आएगा, 7.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे हमने 30 का जो चौथा भाग है वो लिया है 7.5 इंच। उसके बाद में हमें लेना है मार्जिन का नाप, सिलाई वाले मार्जिन का। फिर लेंगे हम 2 इंच। ठीक है, क्योंकि इतना ही हमने ऊपर लिया था। और फिर देखिए हमें जो बैक पार्ट्स में प्लेट्स डालते हैं उसके लिए हमें 1 इंच और लेना है। ठीक है, तो देखिए इतना हमें मेज़रमेंट लेना है बैक पार्ट्स में। ठीक है, फिर हमें लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेना है इसे इस तरीके से। तो देखिए ये हमने मेज़रमेंट ले लिया है, और इस ब्लाउज़ को जिस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज़ बना रहे हैं उसको मैंने तुरपाई के हिसाब से आपको बताया है। अगर आप नीचे सिलाई करते हो तो आपको नीचे से मार्जिन 1 इंच लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको मैंने तुरपाई के हिसाब से बताया है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। फिर देखिए यहाँ पर गुलाई देंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 इंच लेंगे बाहर की तरफ, और इसे शोल्डर से मिलाएंगे इस तरीके से। और फिर देखिए बाहर वाली लाइन से गुलाई देंगे हम 1 इंच की। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गुलाई देनी है।
फिर देखें यहाँ पे हमें लेना है पीछे का गला। तो देखें यहाँ पे पीछे का गला हम किस तरीके से नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने जो पीछे का गला है वो 4 इंच बताया था, ठीक है, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ है वो 4 इंच रखेंगे हम पीछे के नेक की, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो विड्थ है ब्लाउज़ की वो रखेंगे हम 3 इंच। देखिए इसकी 3 इंच हमने क्यों रखी है, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे पीछे का जो गला है वो है 4 इंच, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो रखेंगे हम 3.5 इंच नीचे से। ये पीछे का गला है 4 इंच क्योंकि ये बहुत छोटा नेक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ से जो विड्थ है वो बढ़ानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से 3 इंच लिया है और यहाँ से मैंने नीचे से इसकी विड्थ 3.5 इंच ली है। इसका बॉक्स बना लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे हम गोलाई देंगे 1 इंच के इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी गोलाई दे दी है 1 इंच की, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बताया है आपको शॉर्ट नेक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए अब हमें पीछे की तरफ प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम विड्थ में लेंगे 4 इंच, और यहाँ पे आप जो प्लेट्स है वो देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी जो लंबाई है वो बढ़ा के लिए, तो यहाँ पे इसकी प्लेट्स भी हमें थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्लेट्स मैं 7.5 इंच तक ले रही हूँ इसकी लेंथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने नीचे तुरपाई के हिसाब से मार्जिन बढ़ाया है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे प्लेट्स बढ़ा रही हूँ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिस हिसाब से, पर आपको प्लेट्स है वो नेक से थोड़ी ही नीचे रखनी है, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं रखनी है, बट थोड़ी ही नीचे रखनी है, 2.5 इंच नीचे रखनी है आपको नेक से प्लेट्स को इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट्स की आपको मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बता दिया है किस तरीके से कटिंग करनी है। तो इसकी सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की आपको कटिंग करके बता दी है किस तरीके से आपको कटिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम आगे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल पेपर लिया हुआ है और अब हम इस पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच साइड से एक्स्ट्रा लेना होगा, ठीक है। और ये हम बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो नीचे से भी हमें थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और उसके बाद में नीचे से हमें लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे से 1 इंच और साइड से 1/2 इंच ले लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, ठीक है। तो अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे और इसकी हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे, नेक की मार्किंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की एज इट इज़ मार्किंग कर ली है, और अब हम इसको 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, ऊपर से मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ प्लेट्स के लिए, ठीक है, और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे नेक की तरफ गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर यहाँ पे थे 6 इंच, तो यहाँ पे शोल्डर आ रहे हैं 6 इंच, ठीक है। 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी का लिया था उसे छोड़ते हुए यहाँ पे हमें शोल्डर लेने हैं 6 इंच, उसके बाद में आर्मोल लेने हैं हमने 6 इंच, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे गोलाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इस अंदर वाली लाइन से, आर्मोल वाली लाइन से 1 इंच की गोलाई देनी है, ठीक है, फ्रंट पार्ट की तरफ।
देखिए बैक पार्ट्स में हम 1.5 इंच की गोलाई देते हैं और फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच की गोलाई देनी होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने गोलाई दे दी है फ्रंट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये गोलाई फ्रंट पार्ट की है और ये गोलाई बैक पार्ट की है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे नेक विड्थ लेनी है, तो नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच, ठीक है। और यहाँ से नेक की लेंथ जो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग था वो था 5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंच लेना है। नेक की जो विड्थ है नीचे से वो लेनी है यहाँ पे 3.5 इंच। और इसका हम बनाएंगे एक बॉक्स, ठीक है। इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस तरीके से 1 इंच के। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से गोलाई देते हुए हमें नेक ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और फिर देखिए हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं जो बेल्ट है वो आपको तुरपाई के हिसाब से बता रही हूँ, तो यहाँ पे हमें बेल्ट है वो ज़्यादा लेना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बेल्ट है वो मैं आगे से ले रही हूँ 5 इंच, ठीक है। और बीच में से हम यहाँ पे लेंगे 4.5 इंच और पीछे की तरफ लेंगे हम 4.5 इंच। और ये मैंने तुरपाई के हिसाब से आपको बेल्ट बताया है, अगर इस हिसाब से आप ब्लाउज़ बनाएं तो आपको बेल्ट किस तरीके से रखना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए भी मार्किंग आपको बता दी है। और फिर यहाँ पे टक्स डालेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले आपको टक्स पॉइंट लेना है, तो यहाँ पे देखिए टक्स पॉइंट लेंगे, इस तरीके से नापेंगे, ठीक है, इंच टेप को रखते हुए। यहाँ पे टक्स पॉइंट लेंगे हम 10.25 इंच पे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे टक्स डालने के लिए इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर करेंगे और सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे इस टक्स की जो लेंथ है वो रखेंगे हम 2.5 इंच। हाई हुक की पट्टी का लिया था उसे छोड़ते हुए हमें इसकी लेंथ 2.5 इंच रखनी है टक्स की, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से हम विड्थ में लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। और फिर इसकी लेंथ रखेंगे 2 इंच और इन दोनों के बीच में देख लेना है टक्स के बीच कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे 2 इंच का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस वाले टक्स को भी हम मिलाएंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे 1.5 इंच लेना है हमें लेंथ में। और इस वाले टक्स की जो लेंथ है वो इस तरीके से मिलाएंगे हम, ठीक है। इस वाले टक्स को भी इधर मिलाएंगे हम। और यहाँ पे देखिए 2 इंच का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 1.25 इंच या 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और इस वाले टक्स को भी हम आर्मोल से मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक गोल राउंड सर्कल बनना चाहिए टक्स डालते समय। तो देखिए और आप सबको आपको 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1/2 इंच की प्लेट्स डालनी है, ठीक है। और इस तरीके से नीचे की तरफ उतारते जाना है। नीचे वाले टक्स की जो विड्थ है वो हमें 1.25 इंच रखनी है टक्स की, सॉरी 0.75 इंच रखनी है विड्थ में, ठीक है। दोनों तरफ 0.75 इंच 0.75 इंच विड्थ में लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से टक्स डालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 0.75 इंच 0.75 इंच दोनों तरफ लेते हुए मार्किंग कर लेना है और उसी तरीके से आपको टक्स डालना है। तो देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट का आपको पैटर्न बता दिया है और सबसे पहले अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको स्लीव्स की कटिंग भी बता देती हूँ। सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करने से पहले आपको बैक पार्ट के आर्मोल का नाप लेना है, ठीक है, कि बैक पार्ट के आर्मोल का नाप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आर्मोल का हम लेंगे नाप इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए आर्मोल आ रहा है 9.5 इंच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करके बताऊँगी किस तरीके से करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है स्लीव्स की लेंथ, ठीक है।
तो देखिए तैयार है आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है, 8 इंच, तो 8 इंच तैयार रखनी है। और आप तुरपाई के हिसाब से ले तो आप इसको 2 इंच और बढ़ा के लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो लेंथ है वो इसकी 10 इंच रखनी है, ठीक है। तो 2 इंच हमारा, 1.5 इंच हमारा मार्जिन है वो तुरपाई के अंदर चला जाएगा, और 1/2 इंच जब स्लीव्स को आर्मोल शोल्डर और आर्मोल से अटैच करेंगे तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसकी टोटल लेंथ 10 इंच रखी है। फिर यहाँ पे लेना है आर्मोल का नाप, तो आर्मोल आया था 9.5 इंच, और इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। और बॉक्स बनाने के बाद में ये हमारी लंबी स्लीव्स है तो इसको हम डाउन करेंगे। देखिए इसको हम अब डाउन करेंगे 3 इंच पे, ठीक है। और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरीके से। हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम हल्का हल्का स्लीव्स का शेप देंगे, हल्का हल्का स्लीव्स का शेप देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे हम स्लीव्स राउंड, मोरी जिसे कहते हैं, तो स्लीव्स राउंड है आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे स्लीव्स राउंड रख रही हूँ मैं 5.5 इंच, ठीक है। और 2 इंच हम फिर मार्जिन का ऐड करेंगे, तो इस तरीके से टोटल जो स्लीव्स राउंड है वो आ जाएगा 7.5 इंच। और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स का शेप दे दिया है आपको, और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लीव्स को, अब हम इसको ओपन करके रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस वाले पार्ट्स में हम फ्रंट पार्ट की तरफ गुलाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ऊपर से लेना है 1 इंच, तो ऊपर से हम लेंगे 1 इंच, और पीछे की तरफ हम लेंगे 2 इंच, और बीच में से हम यहाँ पे लेंगे 1/2 इंच, ठीक है। बीच में से 1/2 इंच लेंगे और इस तरीके से एक पत्ती का शेप ड्रॉ करते हुए इन तीनों को मिला देंगे इस तरीके से। और ये देखिए एक हल्का सा पत्ती का शेप ड्रॉ हो गया है यहाँ पे, इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस पत्ती के शेप को ड्रॉ को कट कर लिया है, पत्ती के शेप को, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारी यहाँ पे जो कटिंग हुई है, पे मैंने स्लीव्स को कटिंग कर ली है। और तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था, उस हिसाब से मैंने आपको कटिंग बता दी है 34 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग, माला देवी ठक्कर जी का मुझे कमेंट आया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको फुल कटिंग बता दी है, अगर यहाँ तक कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें।